वैसे तो दोस्तों यहाँ पर जो गंगा जल भरा जा रहा है कलशों में, इसके लिए नदी से या कुएं से पानी लिया जाता है, पर शहरों में ये व्यवस्थाएं दूर होती है, इसीलिए हम ट्यूबवेल के माध्यम से यहाँ पानी भर रहे हैं। और ये जो कलश देख रहे हैं आप लोग, ये कलश लाए हैं, अब इनमें जो है थोड़ा थोड़ा ट्यूबवेल का पानी भरा जाएगा और ऊपर से इनमें गंगा जल डाल दिया जाएगा। पवित्र गंगा जल डालने के बाद में ये पूरे कलश गंगा जल से भर जाएंगे। और यहाँ पर पंडित जी लग रहे हैं चरी पूजन करने में। और ये जो यहाँ पर पीतल की चरी रखी हुई है, इसमें गंगा जल है, इसमें से सभी कलशों में गंगा जल भरा जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हो चुकी है गंगा जल की तैयारी, और अब ये जो कलश दिख रहे हैं ये सब लेकर और शादी वाले घर तक जाएंगे, और बीच में जो गंगा मैया के दर्शन होंगे वो आपको जरूर करवाएंगे, क्योंकि जब ये कलश लेके जाते हैं तो गंगा मैया प्रसन्न होती है और गंगा मैया आती है, तो वो भी आपको दर्शन करवाएंगे गंगा मैया के। फिलहाल तैयारियां चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे गाइस देखिए आप, गंगा जी की जो है चरी है वो लेके जा रहे हैं घर के लिए। देखिए गाइस यहाँ पर गंगा मैया का जो है प्रवेश शुरू हो चुका है, और इस तरीके से कुछ गंगा मैया की जो है सवारी आ रही है सामने, देखिए भाई साहब। आप इधर आ जाओ। तो गाइस अभी यहाँ चल रही है मंडप गाड़ने की तैयारी, इसमें जो लाड़ी के फूफा जी या जीजाजी होते हैं उनका पूरा भागीदारी होती है, और वही सिर्फ ये कार्य करते हैं। तो अभी फिलहाल लाड़ी के फूफा जी ये कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पहले वाहन पूजन होगा, वाहन पूजन के बाद में यहाँ पे मंडप है जो वो गाड़ा जाएगा, जिसके फिर फेरे में जो काम आता है। तो अभी यहाँ पे पूजन कर लिया है, अब इसको अंदर ले जाकर फूफे में रखेंगे, और लेके आने के बाद में अब चल रही है हवन की तैयारी। और सामने मंडप देखो आप, मंडप गाड़ दिया गया है, और ये काम घर के जो जवाई होते हैं वही लोग करते हैं। ये देखो हम दोनों भाइयों की हालत खराब है, हाथ में रुमाल, हेयर स्टाइल की माफिया और पूरी हालत खराब है गर्मी के मारे, आप देखो पूरे कपड़े। और गाइस हवन पूजन होने के बाद में अब यहाँ पे चल रही है पेरावनी, जिसमें जो दुल्हन के जो नाना मामा लोग होते हैं वो लोग कपड़े लेके आते हैं, और हवन पूजन होने के बाद सब लोग कपड़े पहना रहे हैं, ये देखिए आप। यहाँ पर गाइस दुल्हन की जो माता जी है वो उनके पियर पक्ष के जितने भी लोग आए हैं, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके दादा मामा, जो भी लोग आए हैं उनको तिलक कर रही है, और तिलक करके उनके शगुन के नारियल और पैसे उनको देती है, और अगर छोटे होते हैं तो लेते हैं, जो बड़े होते हैं वो नहीं लेते हैं। यहाँ पर अभी जो जो लोग कपड़े लेके आए थे दुल्हन के मम्मी के पियर पक्ष के, उन सब का तिलक हो रहा है, और उन सबको शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाएगा।
कभी तू मुझे नजर।